मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे भांजे भुपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी नूं लैके एक बार फिर तो आम आदमी पार्टी दे सह इंचार्ज राघव चड्डा ने चन्नी ते इल्जाम लगाए ने। उन्हां दा कहना है कि गैर कानूनी काम जिहड़े सारे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे उन्हां दे भांजे ते उन्हां दे रिश्तेदार चलाउंदे ने, ते नाल ही उन्हां ने यह भी इल्जाम लगाए ने कि जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दा भांजा भुपिंदर सिंह हनी उसनूं सारे सीएम कमांडो ते सारियां मंत्रियां वर्गियां सुविधावां दित्तियां गईयां ने। उन्होंने यह भी सवाल खड़े किए ने कि जो 10 करोड़ रुपए हनी कोलों बरामद होए ने वो कित्थों आए ने, की कुछ कहा राघव चड्डा ने, सुना दें। मैं पूछना चाहना चन्नी साहब नूं कि अज भी जो व्यापार धंधे गैर कानूनी कम तुसी कर रहे हो वो तो सारे थोड़ा भतीजा चलाउंदा है, थोड़े घर के अलग अलग लोग चलाउंदे ने, तां ये कित्थों दी ईमानदारी का सबूत बन गया कि मैं अपनी अपनी घरवाली के नाते कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदांगा, कोई बिजनेस नहीं करांगा। यह कोई ईमानदारी का सबूत है चन्नी साहब? चन्नी साहब थोनू चंगी तरह पता है कि थोड़े भतीजे जिसनू तुसी सीएम सिक्योरिटी दे कमांडो दिते हुए ने, जिसनू तुसी पंजाब पुलिस की गड्डी दिती हुई है, पायलट गड्डियां दित्तियां हुई ने, जिनू एक मंत्री जिनी सुविधा दिती हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह थोड़े साली का मुंडा है, थोड़ा भतीजा है, उदी आप दी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ यही काबिलियत है कि वह थोड़ी साली का मुंडा है। तो जदों उदे ते ईडी दी रेट पई, इलीगल सैंड माइनिंग दी रेट पई, तां उदे कोल 10 करोड़ कैश, 54 करोड़ दी बैंक एंट्रियां, 21 लख रुपए का सोना, करोड़ों दियां प्रॉपर्टी दे कागज़ ते लग्जरी गड्डियां मिलियां। तुसी 111 दिन सीएम रहे, तो जे 111 दिन विच थोड़े एक भतीजे ने, एक साली दे मुंडे ने इन्नी दौलत कमा ली, तो बाकी घर दे अलग अलग बंदियां ने किन्नी दौलत कमाई होनी? लोकी यह जानना चाहते ने कि थोड़े भतीजे दे कोल 10 करोड़ कैश कित्थों आए, लोकी यह जानना चाहते ने कि थोड़े भतीजे कोल 54 करोड़ दियां बैंक एंट्रियां कित्थों आईयां, लोकी यह पूछ रहे ने कि थोड़े होर किन्ने भतीजे ने जिन्हां ने इन्नी दौलत कमाई।